तो जी फाइनली 1:04 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं भद्रकाली के लिए। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था तमासिंग वाटरफॉल, और अभी मैं तमासिंग से ही जस्ट निकल रहा हूँ। और भाई साहब, तमासिंग का जो व्यू था वो काफ़ी सुपर था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ, वो वीडियो भी देखो, उसका ड्रोन भी आपको देखने को मिलेगा। हालाँकि बारिश की वजह से पानी थोड़ा गंदा है, लेकिन भाई व्यू काफ़ी ख़तरनाक है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर के आसपास अच्छा खासा भीड़ रहता है, जो कि जनवरी फरवरी तक चलता है। इसके बाद वाटरफॉल थोड़ा कम हो जाता है, तो भीड़ कम हो जाता है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सकें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, हमने नेविगेशन सेट कर लिया है भद्रकाली का, जो कि इधर से एक शॉर्टकट रास्ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ 12 किलोमीटर में हम लोगों को भद्रकाली तक पहुंचा देता है। और रोड भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, तो चलिए चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा रास्ता पिच मिलेगा। कितना कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना? 11 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर। यहाँ से दिखा रहा है नगवा 10.4 किलोमीटर सा है, 10 किलोमीटर। और इन्होंने बताया कि यही रोड को सीधा पकड़ लीजिए, 12 किलोमीटर में आप चले जाइएगा भद्रकाली मंदिर। और रोड भी भाई ऐसा ही पीच है। बाकी स्कूल से छुट्टी हुआ है, बच्चे लोग घर आ रहे हैं। और भाई साहब, ये है पार्किंग। इधर लगाना, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए भैया, यहाँ लगाइए। जाइए जाइए। पार्किंग चार्ज भी है क्या? कुछ नहीं, सब सेवा है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ भद्रकाली मंदिर, और हम बस मेन गेट से इंटर कर रहे हैं। और एंट्री करने के बाद अंदर का नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर का और क्या क्या सीन है, क्या नज़ारा है। भाई माता के मंदिर में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, वो काफ़ी कमाल का होता है। और इस मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। और मेरे ख्याल से आपका भी पहला एक्सपीरियंस है ना, इससे पहले कभी नहीं आया? ना, शक्ति भी फर्स्ट टाइम आ रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। बाकी हम कोशिश करते हैं और भी काफ़ी डिटेल में आपको दिखाने का, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन केस अगर हमसे कोई गलती हो या कोई चीज़ जिसके बारे में हम आपको अच्छे से नहीं बता पाएँ, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमें सही करेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। बाकी चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फाइनली यार, मैंने आपको बोल दिया था कि मैं इस जगह के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन हमें इस जगह के बारे में अगर जाना जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर नॉलेज था, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए नया था, ये जगह मेरे लिए नया था। तो मैंने यहाँ पे जो पुजारी जी थे बाबा से मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला। आप हमारे व्यूअर्स को इस मंदिर का इतिहास थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तीन धर्मों का संगम है। हाँ ठीक है ना, जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है। मेन माता का मंदिर ये हुआ। हाँ, माता भद्रकाली का मंदिर हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे फिर जो है ये बलि स्थान है। ये बलि स्थान जी, हाँ, यहाँ पे आपको एक 6 पिंड दिख रहे होंगे माता का पिंडी है। हाँ, ये बलि स्थान है। नारियल वगैरह अगर आप चाहते हैं तो यहीं पे आकर चाहते हैं, यहीं पे लाके बलि करना है। इसके बाद फिर यहाँ सुफलनाथ का है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, सहस्त्र शिवलिंग का मंदिर है। हाँ, वो रोड क्रॉस करके जो ये इस गेट से निकलिएगा, उस गेट में जो जिसमें 1008 शिवलिंग बना हुआ है। अच्छा,
अभी हम गए थे वहाँ पे तो हमें लगे कि वो रुद्राक्ष टाइप से जो दिख रहे थे उसमें 1008 शिवलिंग बने हुए, 1008 शिवलिंग बना हुआ है। तो विश्वकर्मा बाबा का मंदिर भी इधर है। हाँ, और हम गए हुए थे अभी वहाँ पे, वो राम जानकी मंदिर और विश्वकर्मा मंदिर, एक ही ये दो, हाँ एक ही जगह पे मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर है, एक ही जगह है, ठीक है ना। और मतलब यहाँ आके सभी भक्त लोग तो बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ पे सिर्फ नारियल ही चाहता है या फिर जैसे काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि माता का जो अपना मनोकामना मांगते हैं इसके बाद बलि चाहता है, जैसे बकरा वगैरह चाहता है, तो चीनी है ये माता वैष्णवी है, वैष्णवी है, ठीक है। यहाँ बलि और बकरा वगैरह का नहीं होता, सिर्फ है, सिर्फ नारियल और प्रसाद का ही जो है यहाँ पूजा होती है। यहाँ पे जो है माता वैष्णवी है जिसके कारण से वो सब यहाँ नहीं चलता है, नहीं ये सारा चीज़ नहीं होता है, जो भी मतलब सिर्फ नारियल यहाँ पे होता है बस। बाकी गाड़ी वगैरह जो अगर लाते हैं पूजा करने के लिए उनका क्या, बाहर में टिकट वगैरह कुछ वैसा लेना पड़ता है? हाँ, वो कार्यालय में जब वाहन पूजन जो होती है उसके लिए आपको कार्यालय में एक रसीद बनवाना होगा, ठीक है। कार्यालय में रसीद बनवाने के बाद में उसके बाद फिर वहाँ भी पंडित जी मौजूद हैं जो गाड़ी का पूजन कराते हैं। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। जैसा कि हमें उम्मीद है भाई कि आप इस जगह के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और हमें जो लगा कि ये चीज़ हमें पूछने चाहिए वो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा यार कि बकरा वगैरह कटता है, तो हमें ये चीज़ नहीं पता था कि ये माता वैष्णवी है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपना मन्नत मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नारियल फूटता है। तो ये सारी चीज़ हो गई, बाकी हम बाबा से भी बात कर लेते हैं कि मंदिर के परिसर से ड्रोन शॉट ले सकते हैं या नहीं, या फिर बाहर से लेना है तो अगर परमिशन मिल जाए तो मैं एक छोटा सा ड्रोन शॉट लेकर आपको दिखाऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि यार वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करो। बाकी चलते हैं, बात कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते आगे का नज़ारा। और हमारे जस्ट पीछे में आपको इस मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, काली माँ का मंदिर, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, ये मंदिर है। अभी हम लोग अंदर गए थे, माता का दर्शन हमें प्राप्त हुआ, अंदर में फ़ोटो एवं वीडियो करना मना है, तो इसलिए मैंने फ़ोटो वीडियो यहाँ पे नहीं किए। बाकी यार हमें पंडित जी के द्वारा जो माता पे चढ़ाया जाता है जो फूल, वो फूल हमें प्राप्त हुए। इसके बाद हम चलते हैं और भी यहाँ पे जो मंदिर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम जिस कैंपस में हैं, अभी हम हैं जैन धर्म के 10वें तीर्थांकर श्री शीतलनाथ जी का, जहाँ पे प्रतिमा बनने वाला है। ये पीछे आपको झंडा दिख रहा होगा, ये इनका प्रतीक है, और यहाँ सेंटर से बीच में एक काफ़ी भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। मैंने आपको प्रारूप भी दिखाया, आपके डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा, ये मंदिर का प्रारूप है जिसमें इस टाइप से मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि एक भैया थे, उन्होंने ये जानकारी दी, हमें तो इतना नॉलेज था नहीं यहाँ के बारे में। बाकी मैं जब भी मंदिर बन जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आऊँ, यहाँ आकर उसके बारे में डिटेल में बताऊं। हालांकि
जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ भद्रकाली, तो हमें ये नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी मंदिर है। हमें सिर्फ ये पता था कि यहाँ पे भद्रकाली माँ का मंदिर है। तो मैंने कुछ ज़्यादा इस पर गूगल भी नहीं किया था भाई, तो सॉरी इसके लिए आप सभी लोगों से। बाकी हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और आप में कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।